सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, हताशा और निराशा इंसान का ऐसा शत्रु है जो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति कुछ भी कर पाने के काबिल नहीं रह जाता। हताशा की एक मजेदार बात यह है कि इसका खतरा आपके लक्ष्य के आकार के साथ बड़ा होता जाता है, यानी कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, हताशा में गिर जाने के खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जब आपका लक्ष्य UPSC हो तो आपको हताशा से बचने के उपाय भी मालूम होने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है UPSC की तैयारी में ना हो कभी भी हताश। दोस्तों, जब हमारा आत्मविश्वास कम होना, तब हम अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्म तो नहीं ही कर पाते हैं, बल्कि हम अपने आप को ही कहीं खो देते हैं। जरा सोचिए कि आखिर क्यों कोई बच्चा जो 10वीं में ढंग से पास ना कर पाया हो, आगे चलकर IAS अधिकारी बन जाता है, जबकि कई स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स भी एक दो अटेम्प्ट्स के बाद हिम्मत हार जाते हैं। दरअसल रीक्षा एक उम्मीदवार के शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों गुणों की परीक्षा लेता है। आपको अपनी परीक्षा और जीवन के दौरान मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहने की जरूरत होती है। अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ मंत्र याद रखने चाहिए। सकारात्मक सोच। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सकारात्मक धारणा रखते हैं तो आप किसी भी बाधा से निपट सकते हैं। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जीवन मुख्य रूप से इसी ले और दे के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए हर प्रकार के त्याग को पॉजिटिवली देखें और असफलताओं को रुकावट की बजाय सुधार करने का एक अवसर समझें। असफलताओं के बारे में सोचने की बजाय एक बार इस परीक्षा को पास करने के बाद सामने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचें। असफलताओं का डर आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग किसी चीज में लगाते हैं तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता है। जरूरत पड़ने पर बातचीत करें। अगर आपको कभी लगता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो जरूर करें। यह आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकालने और अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद कर सकती है, और इसके फलस्वरूप आपका दिमाग तरोताजा और हल्का हो जाता है। एक भारी दिमाग में कुछ भी संभाल पाना मुश्किल होता है। यदि आपको भी लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी भर गई हैं जो आपको बोझिल कर रही हैं, तो संकोच ना करें, बल्कि किसी अपने से बात कर उस बोझ को हल्का करें। नकारात्मक भावनाओं से निपटना सीखें। एक सिविल सेवक के पास मजबूत भावनात्मक और मानसिक धैर्य होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, कठिन रास्ते और अनिश्चितताएं तो आती ही रहती है। आपकी तैयारी के दिनों से ही आगे आने वाली दिनों की झलक मिलने लगती है, और यदि आप इसी स्टेज में इस समस्या को दूर करने के उपाय नहीं करेंगे तो IAS बनना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात पर फौरन रिएक्ट करने से बचें और हर पक्ष को जान समझकर ही अपनी राय सामने रखें। इसके अलावा अपने जीवन से उन लोगों को दूर ही रखें जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में सिर्फ रुकावट ही खड़ी करते हैं। पूरी तरह से थक जाने के स्तर तक पहुंचने से बचें। गाड़ी चलाते समय क्या पेट्रोल भरवाने से पहले टंकी पूरी तरह खाली होने का इंतजार करते हैं? नहीं ना, तो उसी तरह अपने शरीर और मन को भी रिफ्रेश करने के लिए पूरी तरह एग्जॉस्ट ना होने का इंतजार करें। जब आपका शरीर पूरी तरह थकान की स्थिति तक पहुंचने लगे तो थोड़ा सा आराम जरूर ले लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तेजी से तरोताजा हो जाते हैं और पहले से अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। अपने आत्मविश्वास की कमी के पीछे क्या कारण जाने। जब हम कुछ क्षेत्रों में सफलता से थोड़ा पीछे रह जाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे में निराश होने की बजाय अपने कमजोर पक्षों के बारे में जानिए और उन्हें आपको तोड़ देने के बजाय दृढ़ संकल्प और अभ्यास के साथ उन पर काबू पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लेकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।